हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच से निकल चुके हैं और इसी बीच उन इलाकों का भी जायजा ले रहे हैं, जंगल वाले इलाकों का, जहां पर भेड़िए का आतंक, जिन गांव में लगभग 50 गांव ऐसे हैं जो कि भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं, दहशत में हैं, इन सभी गांवों का सर्वे करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ तो आज मैसी इलाके में मुख्यमंत्री मौजूद थे, बहराइच के मैसी इलाके में, जहां पर भेड़िए के आतंक से पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की और अब बहराइच से निकल चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये वही इलाका है जो इस वक्त मुख्यमंत्री देख रहे हैं, वही उन्हीं जंगलों के ऊपर से गुजरते हुए जहां पर भेड़ियों की दहशत सबसे ज़्यादा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच से निकल चुके हैं, ये वो तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब गांव वालों से सीएम ने बातचीत की, उनकी परेशानियों को समझा, अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की और आगे की रणनीति किस तरह की होगी, अब जो भेड़िया फरार है उसे पकड़ने के लिए क्या किया जाए, उस पर मंथन हुआ है। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। उमेश, सीएम लौट रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उन्हीं जगहों से गुजर रहा है उनका हेलीकॉप्टर चॉपर, जहां जिन इलाकों में भेड़िए की दहशत है। जी हाँ, निश्चित तौर पर भेड़िया प्रभावित क्षेत्र का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है और इस वक्त की जो ताजा तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ, एक बच्चे को गोद में लेकर के दुलार करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, उसको टॉफी दी, उसको चॉकलेट दी और यहाँ पर सभी परिजनों से रुक रुक करके एक बार फिर से उनसे हालचाल ले रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण भी किया है। मैसी क्षेत्र के 100 मजरे, तकरीबन 50 से ज्यादा गाँव भेड़िया प्रभावित है और हवाई सर्वेक्षण करके मुख्यमंत्री ने स्थिति को समझा है, जाना है और बेहतर तरीके से यहाँ पर समीक्षा बैठक भी की है। और निश्चित तौर पर हम मीडिया को ब्रीफ करने के लिए जा रहे हैं और कुछ ही देर में मीडिया को ब्रीफ करने के लिए आ रहे हैं, आप डैश पर आ चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होने जा रहा है और निश्चित तौर पर आज समीक्षा बैठक हुई है, आज जनप्रतिनिधियों से वार्ता हुई है, आज अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिए हैं अधिकारियों को ऑपरेशन भेड़िया को लेकर के, खुद मुख्यमंत्री बताने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए मित्रों, बहराइच जनपद के इस मैसी विधानसभा क्षेत्र के नदी से सटे हुए इस पूरे क्षेत्र में लगभग पिछले 2 माह से भेड़ियों के आतंक के कारण कुछ जनहानि हुई और कुछ बच्चों को यहां पर भेड़िए ने घायल भी किया। यहां की सूचना के बारे में जब पहली बार यहां के जनप्रतिनिधियों ने मुझे अवगत कराया था तो मैंने प्रशासन को इसके बारे में एक अभियान चलाने के लिए तत्काल निर्देश दिया था। इसके उपरांत वन मंत्री को और वन विभाग के अन्य अधिकारियों को भी अतिरिक्त टीम के साथ यहां पे भेजा गया था। पिछले 2 महीने में इस क्षेत्र में 8 जनहानि देखने को मिली जो 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ये हुआ है। यहाँ पे जो रेस्क्यू किया गया है इसमें 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। ये चीजें देखी गई हैं कि जो अचानक इस सीजन में उन क्षेत्रों में जो जंगली जानवरों की दृष्टि से संवेदनशील होता है, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती हैं जब
जिन क्षेत्रों में ये जंगली जानवर रहते हैं वहां पर पानी घुस आता है। तो ये अन्य स्थलों की ओर प्रस्थान करते हैं और शिकार की तलाश में कभी कभी यह मानव बस्ती के नजदीक आते हैं। तो मानव बस्ती के नजदीक जहां भी इसे आसान शिकार मिलता है तो वहां पर ये हमले देखने को मिलते हैं। इस बार भी जब सरयू नदी में पानी बढ़ा और उसके पूरे क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति ये जुलाई प्रथम सप्ताह में ही हो गई थी और 17 जुलाई को पहली घटना यहाँ देखने को मिली थी जब एक वर्ष के बच्चे को भेड़िए ने उठा करके अपना शिकार बना दिया था। इसके उपरांत ये लगातार चलता रहा। अवश्य था कि वह एक गांव में बार बार हमला नहीं करता, अलग अलग गांवों को उसने निशाना बनाया है और हमले का दायरा भी एक गैप रहा है 4 से 5 दिन का। 1 सितंबर को अंतिम घटना घटित हुई थी और आज 15 सितंबर है। इस दौरान जनहानि होने की कोई शिकायत कोई भी सूचना नहीं है। 2 और 3 सितंबर को एक बच्चे पर हमला किया था, इसके उपरांत हमले की भी शिकायत नहीं है क्योंकि 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक किले हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करे तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन वन विभाग की टीम ने बेहतर समन्वय से इस परिस्थिति का सामना किया है और आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा किया है। आज उन सभी पीड़ितों से मैं मिलने के लिए स्वयं भी यहाँ आया हूँ और क्या आगे की रणनीति है वन विभाग की और प्रशासन की, इस पर भी आगे विचार किया गया है। हमारी सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रखा है और इसलिए अगर कोई भी हानि जनहानि होती है तो उसमें हम पीड़ित परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाते हैं। क्योंकि जिन लोगों को घायल किया गया है तो रेबीज का इन्फेक्शन न हो इसके लिए एंटी रेबीज वैनम भी उन लोगों को उपलब्ध करवाई गई है, उन बच्चों को या उन लोगों को उपलब्ध करवा दिया गया है जो लोग अब तक इस प्रकार के जंगली जानवरों के हमले से घायल हुए हैं। हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे प्रशासन को निर्देश दिए हैं, यद्यपि प्रदेश में अब तक हम लोग केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के 56 लाख गरीबों को पूरे प्रदेश में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है और ये जितने भी हमले हुए हैं इनमें भी अगर आपने देखा होगा कि सभी के पास अपने पक्के आवास हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो गर्मी के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से घर के बाहर सोते हैं सीजन में, तो उसी में जंगली जानवर को एक अवसर मिलता है। कुछ लोगों ने अपने घरों पे दरवाजे नहीं लगाए थे तो उनको वहां पर दूसरे मत से या कन्वर्जन के माध्यम से दरवाजा लगाने की व्यवस्था की गई। स्वच्छ भारत मिशन में हर परिवार को एक एक शौचालय दिए गए थे, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों ने शौचालय नहीं
परिवारों के घर में अतिरिक्त शौचालय बनाने की भी व्यवस्था की गई। यहां पे लाइट की व्यवस्था हो, पेट्रोलिंग पर्याप्त मात्रा में हो, इसके भी प्रावधान किए गए हैं। और हमने एक और निर्देश दिया है कि जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो अब तक आवास की सुविधा से वंचित है, तत्काल मुख्यमंत्री आवास योजना में उस परिवार को एक एक आवास उपलब्ध करवाया जाए। जिन लोगों के पास अन्य सुविधाएं नहीं है, प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगा करके उन लोगों को ये सुविधा आवास का है, शौचालय का है, राशन कार्ड का है, आयुष्मान कार्ड का है, इन सभी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने की एक अभियान चला करके उन्हें आच्छादित किया जाए, जिससे अपनी जरूरत के लिए किसी व्यक्ति को इधर उधर भटकने की आवश्यकता न पड़े। मैंने इन सभी गांवों का भी सर्वे भी किया है और मैंने देखा है कि लोग जनजीवन सामान्य है, लेकिन सतर्कता की आवश्यकता है। और टीम जब तक इस खतरे को यहां से मुक्त इस क्षेत्र को नहीं कर देती है, टीम यहां पे तैनात रह करके पूरी सतर्कता के साथ आम जनता की सेवा के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस खतरे से बचाने के लिए यहां पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज इसीलिए मैंने पीड़ितों से मिलने, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने और इस क्षेत्र का दौरा भी किया है और क्या आगे की रणनीति वन विभाग की और स्थानीय प्रशासन की है, इसकी जानकारी भी ली है। धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि इस वक्त बहराइच में मौजूद हैं। और साथ ही उन्होंने उन पीड़ितों से मुलाकात की जो कि भेड़िये के हमले में घायल हुए थे। उन परिवार वालों से भी मुख्यमंत्री योगी ने मुलाकात की जिन्होंने अपनों को खोया है। 10 लोगों की मौत हो गई है भेड़ियों के हमले से, हालांकि 5 को पकड़ लिया गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आश्वासन भी गांव वालों को दिया है कि सरकार हर संभव मदद कर रही है और यूपी सरकार की तरफ से तमाम ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिसके चलते 5 भेड़िये तो अभी वन विभाग ने पकड़ लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ भेड़िये हैं जिनको पकड़ना बाकी है।